हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं आधे घंटे पहले उठ गया। आधे घंटे पहले उठ गया था, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं और आज है अपना वीकली ऑफ और दिन है शुक्रवार और तारीख है 8 अक्टूबर 2021। तो जा रहे थे वॉक करने के लिए, अभी उससे पहले थोड़ा रूम में झाड़ू वगैरह लगा लिया जाए, साफ़ सफाई करते हैं, देन डस्टबिन में कूड़ा डालते हुए वॉक वगैरह करके आते हैं। झाड़ू लगा लिए हैं, अब चलते हैं, जो कूड़ा निकला है उसको बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। और कुछ बैकग्राउंड साउंड के लिए थोड़ा सॉरी, कुछ काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो निकल गए हैं बाहर, डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं। थोड़ी दूर चल के ही रूम से या स्ट्रीट से बाहर निकलते हैं, डस्टबिन है रोड साइड, उसी में कूड़ा डालना होता है। ये है डस्टबिन अपना। तो अभी थोड़ा निकलेंगे, यहाँ पे फील्ड है, उसी में चलते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। दोपहर का टाइम हो चुका है बट धूप तो उतना तेज़ नहीं है जितना तेज, धीरे धीरे ठंडी वाले सीज़न में प्रवेश कर रहा है। अक्टूबर हो ही चुका है, आज 8 अक्टूबर हो गया है, तो 10-15 दिन बाद ठंडी का एहसास हो ही जाएगा। वैसे भी सुबह सुबह ठंडी थोड़ा बहुत तो लगता ही है, अभी सुबह सुबह 4-4:30 बजे के बाद एहसास होता है कि ठंड का मौसम आ गया। आ चुके हैं ग्राउंड में, थोड़ा सा वॉक करते हैं। और पीछे आर्चरी प्रैक्टिस चली रही है, कंटिन्यू चल रहा है, एक हफ्ते से लगातार मैं आता हूँ, देखता हूँ चल रहा है। वॉक कर लिए हैं तो अब रूम में चलते हैं और क्लीनिंग करना है, आज क्लीन सेव करना है, क्लीन सेव करते हैं, देन ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। आज तो प्लानिंग है कहीं जाने का बट अभी रूम में लाइट नहीं, मोबाइल भी डेड होने वाला है, बैटरी इसका बहुत कम हो चुका है, तो एक बार बैटरी चार्ज मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो निकलेंगे। आज यहीं सिटी पार्क है, सिटी पार्क बोकारो, तो उसी में जाने का प्लान है। फिलहाल लंच वगैरह करेंगे 1-1.5 बजे तक 2 बजे तक, उसके बाद निकलेंगे, अगर सब कुछ परिस्थितियाँ सामान्य रही तो निकलेंगे। सबसे मिलते हैं अब सीधे रूम पे। रूम में आ चुके हैं बट लाइट अभी तक नहीं आया है, वो आप स्नान वगैरह कर ले, फाइनली स्नान वगैरह कर चुके हैं और शेविंग भी कर लिए हैं और ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिए हैं। सो ये आज का ब्रेकफास्ट है, पोहा बना है, अब नवरात्रि तक पोहा ही चलेगा। आज करके निकलते हैं बाहर, चाय वगैरह पियेंगे, टाइम हो चुका है 1:30 और लाइट भी आ चुका है, तो ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया है, कल लेट से सोया इसलिए लेट से उठा, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट जल्दी से करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। सो गाइस, कल के ब्लॉग में एक आइटम अपना आया था फ्लिपकार्ट से, उसका अनबॉक्सिंग पेंडिंग था, तो आज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और कल भी एक, कल का ब्लॉग आपने देखा होगा तो अपना ट्राइपॉड आया था, उसकी अनबॉक्सिंग कल के वीडियो में की होगी तो आपने देखा है होगा, तो आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो पिछला ब्लॉग जाके देख लीजिएगा। सो आपको अपना ये प्रोडक्ट दिखाते हैं, इसकी डिलीवरी कल ही हो गई थी बट अनबॉक्सिंग नहीं हुआ था, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, ये है अपना प्रोडक्ट जो कि हमें कल डिलीवर हुआ था और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं एक बार इसको खोल के चेक कर चुका हूँ, आपको दिखाते हैं आज। तो ये अपना कुछ इस तरह से प्रोडक्ट है और इसके अंदर ये कुछ बिलिंग है बस, और कुछ मैनुअल वगैरह तो दिया नहीं है इसके अंदर। और साथ ही साथ जो ये अपना मेन प्रोडक्ट है, ये है मेन प्रोडक्ट अपना फ्लैश लाइट, और फ्लैश लाइट कम टॉर्च बोल सकते हैं इसको, तो इसको कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे ले जाना हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक काफ़ी अच्छा इसका लुक, इसका काफ़ी अच्छा है और बहुत हैवी भी नहीं है। और इसके साथ हमें मिला है ये चार्जेबल बैटरी है, और इसके साथ चार्जेबल बैटरी के साथ हमको इसका चार्ज करने के लिए अडाप्टर मिला हुआ है, तो इसके अंदर हम अपना ये बैटरी लगा के इधर से चार्ज कर सकते हैं, तो कनेक्ट हो जाएगा, इसको कनेक्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ ये इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फुल्ली चार्ज है,
फुल्ली चार्ज है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट चल रहा है, और अगर चार्ज नहीं रहेगा, थोड़ा लो हो जाएगा, तो यहाँ पे रेड लाइट चलेगा। तो ये हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे अपने टॉर्च में। इसको ओपन करते हैं। सो हम इसको ओपन करते हैं तो हमको इसके अंदर ये मिलता है, जिसके अंदर हम एक और दो और तीन तीन बैटरी, ये बैटरी 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, तो इसको हम तीन बैटरी यूज़ करके लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये केवल एक ही अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हैं जो कि रिचार्जेबल बैटरी है, तो आप इसकी छोटी वाली बैटरी 1.5 वोल्ट बैटरी की मदद से तीन सेल इसमें लगेंगे, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये जो इसका हेड है ये अंदर जाएगा और ये टेल पीछे, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये अपना कनेक्ट हो गया, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाइस आपको दिख रहा होगा ऑन हो चुका है। एक बार मैं रूम की लाइट ऑफ करता हूँ, रूम में काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो मैं लाइट ऑन करता हूँ। तो गाइस आप देख रहे होंगे कितना रोशनी हो चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, तो यहाँ पे अपना लाइट जलाते हैं, तो तुरंत देख सकते हैं आप कितनी तेज लाइट है और काफ़ी अच्छा फोकस है इसका। तो ट्रैकिंग वगैरह के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है, ट्रैकिंग या फिर कभी आप अंधेरे में निकल रहे हैं और लाइट नहीं है तो ले सकते हैं। मैंने बस इसलिए ऑर्डर किया है, कहीं बाहर वगैरह निकलना होता है कभी जर्नी पे, तो प्रॉब्लम होती है कभी कभी, बाहर अंधेरा होता है। बस ये अपना अनबॉक्सिंग था टॉर्च का, होप आपको पसंद आया होगा। और अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 2:10। बस तो अभी प्लान ही है निकलने बाहर, और अभी चाय भी नहीं पी है, तो चाय पियेंगे पहले। और प्लान है मार्केट जाने का, मार्केट जाएंगे कुछ सब्जी वगैरह लाना है तो वो लाएंगे, बट उससे पहले अभी निकलेंगे, सिटी पार्क है बोकारो, सिटी पार्क बोकारो, तो पहले वहाँ पे चलेंगे, देन सब्जी मार्केट वगैरह निकलेंगे। तो अगर अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। सो चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। सो फाइनली 2:45 बजे से बाहर आए, काफ़ी टाइम लग गया। आज ब्रेकफास्ट लेट किया 1:30 बजे, हुआ खाया, लंच अभी तक किया नहीं है। कुछ खा के चाय वगैरह पीते हैं, चाय भी नहीं पी एक्चुअली मैं आज तो अभी तक। फिलहाल अभी थोड़ा समोसा वगैरह खा लेते हैं, बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, ऑर्डर कर दिया है, आ रहा है रेस्टोरेंट में, थोड़ा देर लगेगा। ये अपना समोसा आ गया है गर्मा गर्म वगैरह, खा के आ चुके हैं मेन रोड पे। यहाँ थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ेगा या वरना ऑटो मिल जाएगा तो, और वही पीछे अपने हैं द बोकारो मॉल। ये रोड सीधे चला जाएगा, एक नेक्स्ट मोड़ है पत्थरकट्टा चौक, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आगे चलते हैं। फिर ई रिक्शा में बैठ गए हैं, दृश्य ई रिक्शा से। तो पत्थरकट्टा चौक पहुँच गए हैं, ये पीछे स्टैचू है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यही है पत्थरकट्टा चौक। और पीछे वाले ग्राउंड में वैक्सीन लग रहा है, वैक्सीन तो अपने को दोनों डोज लग चुका है। तो ये जो सामने दिख रहा है ये सिटी पार्क का ही एरिया है, बट ये फ्रंट गेट से हम चलेंगे, ये तो बाउंड्रीज है, हम फ्रंट गेट से चलेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ों से भरा हुआ। तो गाइस ये सब जो आप देख रहे हैं अभी ये है सिटी पार्क बोकारो के अंदर, अभी हम फ्रंट गेट नहीं पहुंचे हैं, तो मैं अभी आपको बाहर से ही दिखा दे रहा हूं थोड़ा बहुत। गाइस पत्थरकट्टा चौक से मेन गेट है सिटी पार्क का, 3 से 4 मिनट अगर पैदल जाते हैं तो लग जाता है। और थोड़ा दूर और आगे जाइएगा तो आपको राम मंदिर मिल जाएगा जो सेक्टर 1 में है, तो आप राम मंदिर भी जाके दर्शन कर सकते हैं अगर इतनी दूर आए हैं सिटी पार्क तो। और आप केवल अगर और राम मंदिर दर्शन करने आए तो आप राम मंदिर से थोड़ा आगे आके इधर सिटी पार्क आ सकते हैं। तो अभी मेन गेट पहुँचे नहीं है, बट ये हमको अभी चींटी का टीला दिख गया है, तो यहाँ पे रुक गया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही ख़तरनाक है। तो मेन गेट पहुँचने से पहले गाइस फाइनली गेट पे पहुँच गए हैं, मेन गेट पे, और पत्थरकट्टा चौक से 10 मिनट लग गया, 3-4 मिनट सोच के। तो ये है सिटी पार्क का मेन गेट,
इधर आपको दिख रहा होगा लिखा है सिटी पार्क। तो यहाँ पे आपको कोई टिकट एंट्री फीस नहीं लगता है, आप आके यहाँ पे अपना टाइम है तो टाइम पास कर लीजिए। अंदर घुसते ही यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्नैक्स वगैरह चाय कॉफ़ी मिल जाएगा। सो गाइस आ चुके हैं सिटी पार्क के अंदर और ये कटीली उतार को इधर बहुत ही सुंदर, यहाँ पे ज़मीन पे पूरा घास ही घास है और ये पक्षी आराम से अपना भोजन खाना ले लेते हुए, हल्की हल्की धूप है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, हर तरफ से प्रोटेक्टेड किया हुआ है। सामने बहुत से सुंदर वृक्ष हैं बट गेट मेन लॉक है। अभी मौसम भी ठीक है, थोड़ी उमस होने लगी है, लग रहा बारिश वगैरह का क्या संभावना है, आएगा तो बचेंगे। पीछे अपना उधर जो दिख रहा है बिल्डिंग, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह के लिए लोग रहते हैं और कुछ पौधे नर्सरी वगैरह अगर ले जाना है तो यहाँ से पौधे वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। इधर जैसा कि आपको दिख रहा होगा पौधों की नर्सरी लगा के रखा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पौधे आप ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं बट कुछ पेमेंट करना होगा। और ये हमारे सामने आ गया शहीद उद्यान करके, यहाँ भी लॉक है तो अंदर जा नहीं सकते हैं, बाहर से ही देख लेते हैं। बस दोपहर में आने का रीज़न ये है कि रात में यहाँ पे लाइट वगैरह की समस्या हो जाती है तो दिक्कत होता है इसलिए आ गए। और शहीद उद्यान जैसा कि है तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये शहीदों के लिए जैसे बंदूक उल्टी करके उसके ऊपर कैप रखा जाता है वो आपको दिख रहा होगा। सामने जो आपको दिख रहा है बहुत ही सुंदर गुलाब के फूलों का गार्डन है, तो हर तरह के यहाँ पे गुलाब दिख रहे हैं। सेम इधर भी वही गुलाबों वाला बगीचा, तो दोनों साइड सेम है गुलाबों का। अभी मौसम की वजह से शायद सारे गुलाब खिले नहीं हैं बट हो सकता है धीरे धीरे। इसके अपोजिट में ये हमको मिल चुका है पौधा, गेंदे का पौधा है ना, गेंदे का फूल है, किसान फ्लावर है, यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन मिट चुका है। तो ये कुछ पौधे हैं, पौधे नहीं फूल हैं। तो अभी फूलों का बगीचा देख चुके हैं हम, अब आगे चलते हैं क्योंकि अंदर नहीं जा सकते हैं इसलिए बाहर से ही जो भी दिखाना है आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अभी तक मैक्सिमम फूल ही फूल दिखे हुए हैं, तो सारे फूल के बगीचे दिख रहे हैं, हर जगह बागवानी हुई है, बागवानी गार्डनिंग हुई है। और ये बहुत ही लेकिन अच्छा ये बात है कि बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। और ये यहाँ तक सीमा समाप्त हो चुकी है, अब पार करने के लिए हमको ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा। फिलहाल अभी लॉक लगा है उधर जाने के लिए, अब हमको उधर पुल से जाना होगा। तो ये सुंदर सा तालाब दिख रहा है, इसमें फूल सारे मुरझा चुके हैं। तो ये छोटा सा तालाब है और उसको उस पार जाने के लिए ये यहाँ पे पुल है, छोटा सा ब्रिज है, इसको पार करते हैं। तो अभी पुल के एकदम टॉप पर हैं और यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है ये तालाब, इसमें थोड़े बहुत फूल वगैरह हैं लेकिन फ़िलहाल तो अभी एकदम अर्ली स्टेज में है, खिले नहीं हैं अभी। बाकी यहाँ से आपको एक बार दृश्य दिखाते हैं, ये बहुत ही सुंदर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं इधर और सूर्यदेव तो अभी ढल चुके हैं, तो आपको परछाई दिख रहा होगा नारियल के पेड़ों का आ रहा होगा तालाब में। तो गाइस अभी जितना देर तक मैंने घूम लिया है, जितना देर तक मैंने यहाँ पे अभी सिटी पार्क के अंदर घूमा है, तो अगर आप आसपास हैं तो ठीक है, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट होता है कुछ लाइटिंग वगैरह या फिर बोटिंग वगैरह स्टार्ट होता है देन मैं दोबारा आऊँगा और वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं इस जो आप तालाब दिख रहा है उसी के साइड से घूम रहा हूँ। तो ये अपना तालाब है और ये थोड़ा पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता है, ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो इधर ही से घूम लेते हैं क्योंकि अभी बहुत ही गंदी वाली धूप हुई है, उमस हो रही है। सो गाइस ये जो आप देख रहे हैं अभी सामने वो स्ट्रक्चर
ये है तालाब के जस्ट नेक्स्ट बॉर्डर पे, दूसरी तरफ है। तो अभी हम लोग चलेंगे इधर से उस बॉर्डर पे। तो ये काफ़ी अच्छे में देखने में कूल लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे रुक गया। कुछ ऐसे रास्ते हैं, संकरी कंजस्टेड संकरी रास्ते हैं, दोनों साइड थोड़ा बहुत झाड़ियाँ वगैरह हैं। और ये जो पानी आ रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पानी है शहर के जो नाले होते हैं ना, घर से निकलता है जो सप्लाई वाला पानी, वही आके यहाँ पे अभी मिल रहा है। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो जाता है ना ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। फिलहाल ट्रीटमेंट वगैरह हुआ नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे आपको बहुत ही वहाँ पे दिख रहा होगा ये बोट, ये चलता था, अभी नहीं चल रहा है। तो पहले चलता था, मैंने एक दो बार देखा है, फिलहाल अभी नहीं चल रहा है बिकॉज़ थोड़ा सा गंदगी है और मेंटेनेंस हो जाएगा तो मैं भी चलेगा। ये काफ़ी खूबसूरत सड़क दिख रही है, खूबसूरत इसलिए क्योंकि बीच में रोड गया है और आस दोनों साइड में पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी अभी एकदम घना जंगल होता है ना, उसी तरह का कुछ दिख रहा है। तो पानी का सोर्स फाइनली दिख गया है, जिस तरह से पानी इधर से इधर को जा रहा है, और जब ये ज़्यादा कुछ फ्लो हो जाएगा तो ये इधर से ऊपर थोड़ा फ्लो होके ऊपर से ये इसके ऊपर से होके निकलेगा। सो ऑलमोस्ट उस रूम तक पहुंच चुके हैं, उस कोने से वहाँ तक। बट उससे पहले मेरे को पानी में थोड़ा सा सूर्य की परछाई दिख रही थी, तो मैंने यहाँ पे सोचा आपको भी दिखाते हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। सो पीछे जो आवाज़ आ रही है वो पानी की है यहाँ पे जो दिख रहा है। और अभी तक जितना भी व्यू देखने को मिला वो ये जो तालाब की वजह से है। अभी तक जितना भी कुछ देखा वो सब में ये तालाब के जो चारों तरफ मैं थोड़ा सा घूम लिया हूँ, वही सबसे अच्छा लगा अभी तक। और बाकी कुछ इसमें देखने को है नहीं, क्योंकि जो गार्डनिंग है फ्लावर्स की वो भी बंद है बाहर से, तो बाहर बंद है तो बाहर से ही देख सकते हैं मैक्सिमम। और कुछ यहाँ पे एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, तो अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं मेरे, आप एक बार यहाँ आइए पास में तो ज़रूर आइएगा। तो क्योंकि सब कुछ यहाँ पे एंट्री फी वगैरह है नहीं, आइए एक राउंड मारिए, थोड़ा सा चिल कीजिए और निकल जाइए। पिकनिक स्पॉट टाइप का है, थोड़ा टाइम पिकनिक वगैरह मना सकते हैं। और इस क्रॉस करने के लिए आपको काफ़ी थोड़ा सा झुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ जो है वो गिर चुका है, गिर के रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो हल्का सा तो झुक ही सकते हैं, हमें भी झुकना भी ना पड़े हल्का सा। सो ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, मतलब पार्क से एग्ज़िट के एंड पे आ चुके हैं, पार्क से एग्ज़िट करेंगे अब थोड़ी देर में। तो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ऐसे स्टार्टिंग में मैं सिटी पार्क के आउटसाइड बाहर से जो दिखा रहा था वो सब यहाँ से आगे निकल जाएंगे तो आ जाएगा मेन रोड, बट मैं मेन गेट से ही निकलूँगा। तो यहाँ पे हमको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो टेंट वगैरह ऊपर डाल के यहाँ पे आराम से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है, मतलब किया हुआ होगा कुछ काम के लिए, यहाँ पे कुछ खाने पीने का आइटम मिल रहा होगा, फिलहाल अभी नहीं है। तो सो उस एंड से इस एंड पे फाइनली आ चुके हैं, मैं आपको बोला था कि उस एंड पे आके मिलते हैं, तो ये अपना ये एंड आ चुका है, यही बात हुआ था, अभी हम वहीं पे खड़े ही हैं। सो सामने देखते हैं कुछ खाने वगैरह को मिलता है तो खाते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़, बट उससे पहले थोड़ा देर यहाँ पे विश्राम करते हैं, बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। तो मैं उधर अभी पीछे खाने वगैरह का मिलेगा, बट आई थिंक फास्ट फूड वगैरह ही मिलेगा, तो मैं खा नहीं रहा हूँ और निकलते हैं बाहर, कुछ मिलेगा कुछ अच्छा, कुछ सॉलिड खाने का मन कर रहा है, रोटी और चावल दाल टाइप का। सो आपको लास्ट ये बोटिंग भी दिखा देते हैं, जो पहले यहाँ पे बोटिंग होता था, तो ये बहुत सारे बोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा होगा आपको, इसकी कंडीशन देख के लगता है कि ये वर्किंग कंडीशन में तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे टिकट वगैरह मिलता होगा, और यहाँ पे एक बोट तालाब में दिख रहा है। सो
सो यहीं से बोटिंग वगैरह होता होगा पास्ट में कभी। सो गाइज ये सिटी पार्क का वीडियो आप यहीं पे समाप्त करते हैं, अब निकलते हैं बाहर आप। सो सिटी पार्क के बाहर निकल के मिलते हैं आपसे। और गाइज यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और गाइज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और जाते जाते मैं ये बोलूँगा अगर आप आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, वेलकम है। और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे। फाइनली एग्जिट हो चुके हैं सिटी पार्क बोकारो से। बाहर खाने पीने के लिए मिल जाएगा जैसा कि पहले दिखाया था आइसक्रीम में, और अभी फ़िलहाल मूँगफली वगैरह मिल रहा है, पानी पूरी इधर मिल रहा है, मूँगफली इधर मिल रहा है, पानी पूरी और इधर है आइसक्रीम वगैरह। तो इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा दूर चल लेते हैं, राम मंदिर यहीं पास में है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। जो मंदिर दिख रहा है वही है श्री राम मंदिर, और आसपास नारियल पानी वगैरह मिल रहा है, थोड़ा पी लेते हैं नारियल पानी या पानी और कोई। जो पहले पानी मिल गया है, पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, अब वापस चलते हैं और उससे पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं, चाय बन रहा है, लेंगे देन ऑटो वगैरह यहाँ से लेंगे। फिलहाल अभी सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं, ऑटो मिल गया था टाइम से, और अब चलते हैं सब्ज़ी मार्केट, थोड़ा सब्ज़ी वगैरह ले लेते हैं, फिर लेके सब्ज़ी और चलेंगे रूम पे। प्याज कैसे है? प्याज सब्जी मार्केट में आ चुके हैं। पटल कैसे हैं जी? पटल सो गाइस फाइनली रूम के अंदर आ चुके हैं, टाइम है अभी हो रहा है 5:20 और रूम के अंदर लाइट नहीं है। थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लेके आए हैं, थोड़ी देर में बनाएंगे, आज लंच भी सही से नहीं हुआ है और नाश्ते में पोहा वगैरह खाया था, तो अभी वहाँ राम मंदिर के पास थोड़ा चाय वगैरह पी लिया था। सो लाइट वगैरह का इंतज़ार करते हैं देन। सो गाइज होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, सिटी पार्क बोकारो और जो सुबह अनबॉक्सिंग किया था दोपहर में, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। तो फाइनली डिनर रेडी कर लिए हैं, डिनर में आज है दाल चावल, यही आज बना है डिनर में। सो डिनर वगैरह अपना फिनिश करते हैं, आज का ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आपको आज का सिटी पार्क एंड अनबॉक्सिंग आज का ओवरऑल वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिएगा और नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। सो मिलते हैं आपसे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।